अच्छा क्लास साहब, ये बताएं कि आपकी क्या फाइनेंसिंग मॉड्यूल है, फाइनेंशियल मॉड्यूल क्या? अच्छा तो देखिए, हाँ ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है फाइनेंसिंग मॉड्यूल जी। ये फाइनेंसिंग मॉडल बहुत इम्पोर्टेंट है जी। दिस इज ये सवाल आता है इसके अंदर। देखिए यहाँ इसमें सस्टेनेबिलिटी का भी एक अंशुर है इसके अंदर में, राइट। इनिशियली जैसे लाइक एवरी बिजनेस इज फंडेड बाय दी एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ और हरसेल्फ और आवर ग्रुप ऑफ पीपल ऑलराइट जॉइनिंग हैंड्स टुगेदर, तो वी आल्सो स्टार्टेड यू नो विद द सेम मॉडल। ये ना कोई 10,000 डालता रहा, 20, 25, 30, इस तरह से वो डालते डालते जनाब वैली 2-4, 2 साल, 3 साल इस तरह से वो तो जो फंडिंग होती है वो शुरू में हमारे पास भी ऐसी होती रही। इसके बाद जो है ना फिर वी स्टार्टेड यू नो आस्किंग फॉर डोनेशन फ्रॉम आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल्स ऑल राइट, एंड सम ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैव आल्सो यू नो कोऑर्डिनेटेड विद अस एंड कोलैबोरेटेड विद अस, राइट। देयर इज नो नीड टू नेम देम राइट बिकॉज दे वॉन्ट देयर नेम टू बी कॉन्फिडेंशियल। तो बाद लोग तो ऐसे भी है वो कहते नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपना काम करते रहे बिकॉज वी ट्रस्ट यू। ये इंपॉर्टेंट एरिया होती है कि वो कहते हैं कि वी ट्रस्ट यू ऑल राइट, इसमें ये बड़ा एलिमेंट होता है। तो एक तो ये कि हमारे डोनेशन जो है ना वो जो इंडिविजुअल डोनर्स हैं वहां से आते हैं ऑल राइट, एंड कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर से आते हैं डोनेशन, एंड द डोनेशन इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द ज़कात फंड एज वेल ऑल राइट। तो ज़कात फंड से जो हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं उससे हम पैसे वापस नहीं लेते, ठीक है जी, जो इंस्टॉलमेंट होती है, लेकिन हम उन्हें मॉनिटर करते रहते हैं 1 month, 2 month, 5, 4 month, 5 months राइट, कि they're on the right track, राइट। इसमें ये एक पहलू है। या ज़कात फंड से हम एजुकेशन को फंड करते हैं बिकॉज वी हैव टेकन फतवा फ्रॉम दारुल उलूम, वो कहते हैं ज़कात फंड से आप तालीम को स्पॉन्सर कर सकते हैं, तो वो पैसा उधर भी जाता है तालीम पे इस्तेमाल। वो जो लोन का जो पैसा, अच्छा अब लोन जो फर्स्ट करें हमने दे दिया 30 million या 40 million या 50 million रुपीज हैव गिवन टू अबाउट 1,000-1,500 फैमिलीज, देन द मनी इज कमिंग बैक टू अस एवरी मंथ राइट 10% ऑफ इट, ठीक है। अगर उसमें कुछ लोगों ने पैसे नहीं दिए तो मे बी 8% ऑफ इट ऑल राइट, ठीक है जी। तो वो पैसे हमारे पास वापस आते हैं एंड देन इमीडिएटली यू नो दे ऑल्सो गो टू न्यू बेनिफिशरीज राइट, तो हम उनको वो बेनिफिट उस तरह से वो सर्कल जो है ना वो मूव करता है, जो कि ऑन गोइंग है और उसमें ऑन गोइंग जगह बन जाती है। हम ये कहते हैं कि देखो अगर डोनर ने आपको पैसा दिया और आपने उसको एक्सपेंस आउट कर दिया तो फिर उसकी इस मॉडल में सस्टेनेबिलिटी नहीं आ सकती है ना। तो सोसाइटी जो है ना चाहे वो लेने वाला हो या देने वाला हो, ठीक है ना, वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करे और एक तीसरा जो उसका भाई, उसके रिश्तेदार, उसके चचा, उसके अंकल जिनको जरूरत है वो उसका पार्ट बन जाए, ग्रेटर पार्ट बन जाए सारे मिलकर राइट राइट, जो सामने मिलकर ग्रेटर पार्ट बन जाए तो आप कहें मसले हल हो जाएंगे ना, मसले हो जाएंगे। अभी आपको मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ कि मसले इस तरह से आपको हल हो जाएगा इस तरह से राइट। तो वो पैसा हमारे पास वापस आता है और हमारी जो रिकवरी रेट है, हाँ अभी अभी ये अभी ये जो कोरोना के चक्कर में राइट रिकवरी रेट हैज गॉन डाउन, बिजनेस हैज बीन सफर्ड, लेकिन हमारी रिकवरी रेट जो नॉर्मल सर्कमस्टेंस में दैट इज अबाउट 98% राइट। तो गरीब आदमी जो है ना वो 98% इज द रिकवरी रेट, लोग जो है ना पैसा वापस करते हैं और वो यू नो बहुत ही मोहब्बत के साथ वो पैसा वापस करते हैं कि किसी और, बल्कि हम तो इनको ये भी कहते हैं। मैं गया था इब्राहिम हैदरी में, हमने एक चैप्टर खोला वहाँ, तो मैंने जहाँ वहाँ पे कोई 20-25 लोग जमा थे जो कि हमारे पहले बेनिफिशरीज थे जो हमसे लोन लेना चाहते, हमसे ये काम शुरू करना चाहते थे, मैंने उनको कहा देखो भाई ऐसा है कि आपको 30,000 रुपये वापस करने अगले महीने या एक महीने के बाद, साथ में आप में से ही अपने किसी रिश्तेदार को साथ लेके आना, ठीक है। तो ये जो कम्युनिटी में ये कैस्केड डाउन होना चाहिए, होगा ये बिकॉज हम वो पैसा बैंक में तो नहीं रख के क्या करेंगे हम उस पैसे को बैंक में रखकर ऑलराइट, क्योंकि ये हमारा कोई कार जाती मुनाफे का तो काम है नहीं है, ये तो वो मुनाफा है जो 10 times समझेगा अल्लाह ताला के पास से, ठीक है। तो वो उनको मैंने ये कॉन्सेप्ट दिया तो वो शक्ल में नहीं हूँ देखी उन्होंने, मैंने कहा अपने किसी मामू को लेके आना, चाचा को लेके आना, किसी बहन को लेके आना, ठीक है, वो भी एक्टिव हो जाए, वो भी सेल्फ रिलायंस, ये सेल्फ रिलायंस इसमें इसमें है। आप सलाम कह रहे हैं सलाम, आजकल कहाँ भाई कनाडा में, उनसे एक बहुत मेरी बातचीत हुई थी, मैं अपने शागिर्द को भूलता नहीं हूँ और वो सबसे 20,000 स्टूडेंट अगर मैंने पढ़ाए हैं 20-30,000 स्टूडेंट, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक 80% ऑफ द स्टूडेंट्स आई स्टिल कनेक्टेड विद देम ऑलराइट, एंड मुझे पता होता है फेसबुक पे वो मेरी डांट को भी याद करके लोग याद करते हैं
और फिर मोहब्बत को याद कर। अच्छा मोहिन जी, जी स्पॉट सपोर्ट लिखा होगा मेरे ख्याल, सपोर्ट सपोर्ट समवन फॉर वन ईयर लाइक, हाँ ये भी मुमकिन है, यस दिस इज पॉसिबल, क्या आपको पैसा दो लाख रुपए आप हमें दें, इट्स नॉट ए परमानेंट डोनेशन, इट्स ए काइंड ऑफ लोन फ्रॉम यू, ऑलराइट वी क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वी आल्सो गिव यू रिपोर्ट, और दो साल के बाद आप कहेंगे प्लीज रिटर्न माई मनी, ओके दैट इज पॉसिबल, और इसमें कोई हरज नहीं, ठीक है जी, तो इस तरह से आपको हम वापस कर देंगे। इसका क्या मतलब है स्पेंडिंग कैप का क्या मतलब है? इसका मॉडल है तो अल्हम्दुलिल्लाह, इस मॉडल में बड़ी बड़ी बरकत है, बहुत ही बरकत है, अल्लाह ताला की बहुत ज्यादा इसमें बरकत है,